पतंग है उड़ा। अरे रो क्यों रही है, अजीब सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। चल लेट जाइए तेरा। ज्यादा ना ऐसे चक्कर से आ रहे थे, इसलिए ना मैंने ना राजीव अंकल को भी फोन कर दिया। माली वाली नहीं है इधर साइड पे कहीं? बस ऐसी मैं तो मजाक कर रही थी, तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो ऐसी हूँ देखो ना। हाँ वही मैं भी सोच रहा था कि अब इतनी बड़ी हो गई है, 2 साल के अंदर अंदर तो शादी करनी पड़ेगी ना इसकी। हाँ मैंने इसको पूछा है कि कोई लड़का वड़का है तो बताओ, कहीं ये भी हमारी तरह ही ना रह जाए जैसे हमारे टाइम हुआ था, तो जात पात का ज्यादा वो था। अगर वासी मत हो ठीक है, ये चलता रहता है। अब आगे हमने अपनी बेटी के बारे में सोचना है। चल रहा है मेरे दिमाग में जो भी है मुझे बता दो। बस यही है कि क्या करूं, खुद कैसे हैंडल करूं, खुद समझ नहीं आ रहा, किससे बोलूं जाके क्या करूं। मतलब अब तो भगवान भी साथ नहीं दे रहा, पर प्लीज आप मतलब एक बार वीडियो बनाने प्लीज वीडियो बना देना, मतलब जिससे पता चल जाए कि उन दोनों के बीच में है क्या। बिल्कुल बिल्कुल, आप घबराओ मत, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या आपके पापा और अंकल का नाम है। अंकल का नाम राजीव है। और पापा का? पापा का नाम मनोज। मनोज। और लेटर किसके नाम से है? लेटर जो था किसके नाम से था लेटर? राजीव के नाम से। राजीव के नाम से, और राजीव आपके अंकल ने। यही चीज़ तो मैं स्टार्ट करना, दोस्तों आज जो मेरे साथ ये जो बैठी हुई है इनका नाम खुशी है, और क्या हो रखा है इनके लाइफ में, किस तरीके का कन्फ्यूज़न है, वो चीज़ आज क्लियर करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक्चुअली बातें कुछ ऐसी है ना कि इतना बिखरा पड़ा हुआ है। इन आपके पापा का एक्सपायर के कितने दिन हुए? मैं जब 1 साल की थी तब भी चले गए, तो उसके बाद से मुझे कुछ नहीं पता। अब जब 1 साल के थे तब भी बताओ, और आज मतलब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इनकी मम्मी जो थी, देखो मैं सच बताऊँ मैं शायद ऊपर नीचे कुछ बोल दूँ, मैं चाहता हूँ कि आप बताओ कि आप मतलब क्या क्या देखी हो, क्या क्या नोटिस की हो, क्या क्या मिला आपको, सारा चीज़ एक बार क्लियर करके बताओ। मैं जब छोटी थी तब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद से मेरी मम्मा ने मतलब मुझे बहुत खुश रखा, और हम साथ रहते थे, बहुत खुश रहते थे। बस कॉलेज जाते मतलब धीरे धीरे बड़ी हुई, कॉलेज जाना स्टार्ट किया, मतलब बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। पर जब मुझे राजीव अंकल के बारे में, जब पापा के थोड़े दिन बाद से ना अंकल आना स्टार्ट हो गए थे, मैंने मम्मा से पूछती थी हमेशा कौन है, पर जबकि वो कॉलेज के अच्छे फ्रेंड थे। अच्छा। तीनों, तो मैं उनसे तीनों मतलब आपके मेरे पापा मेरी मम्मा और राजीव अंकल। अच्छा। और मैं उनसे जब भी मम्मा से पूछती थी ना कि इतना अगर आपके फ्रेंड है तो आप बाहर जाके मिलो, तो ये हमारे घर पे क्या करें, वो हमेशा टाल देती थी कि कोई बात नहीं ना, तुझे कह जा, तू अपना काम कर ले, मतलब कुछ नहीं बताती थी मुझे। जब भी मेरी तबीयत खराब होती थी, मम्मी की तबीयत खराब होती थी, हमेशा वो ही आते थे हर चीज में, हर फेस्टिवल हर चीज में, मतलब उनका ही आना था। तो एक दिन, तो उसके बाद जब धीरे धीरे आगे चीजें बढ़ने लग गई, तब भी मेरे को मम्मा ने कुछ नहीं बताया, मतलब उनका बहुत ही जाना घर पे अलाउड हो गया। तो एक दिन जब मैं ऐसी, मेरी कॉलेज की छुट्टी थी, तो एक दिन मैं ऐसी देख रही थी कुछ, तो तब मेरे को एक बॉक्स मिला था, पता नहीं वो कब से रख रखा है, मुझे कुछ नहीं जानती थी उसके बारे में। पर जब मैंने वो बॉक्स, तब मम्मा घर पे नहीं थी, कहीं गई हुई थी, जब मैंने वो बॉक्स खोला ना, आप और मम्मी ही बस घर पे हो और कोई? और कोई नहीं है। अच्छा ठीक है। पर वो राजीव अंकल आते थे हमेशा, ऐसा होता मतलब आना जाना उनका लगा रहता था। ठीक है, तो हमेशा आते थे, तो जिस दिन मैंने बॉक्स खोल के देखा था ना, उसमें उनकी पहले की फोटोज वगैरह, मतलब पापा मम्मी और अंकल की फोटोज वगैरह थी। कुछ फोटोज वगैरह? हाँ ये है, ये देखो,
ये दोनों के साथ की फोटोज है, मतलब उन दोनों की भी है, अंकल की और मतलब मम्मी की भी, अंकल की भी है। तो मतलब मैंने जब भी उनसे पूछा ना, वो हमेशा मुझे मना कर देते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ आपके नहीं इसमें है। पापा कौन है? ये वाले, ये साइड में है और ये आपके अंकल हैं? हाँ। अच्छा, ये राजीव अंकल है, ये मेरे पापा। तो उसके बाद उसमें ना एक लेटर था। अब मेरी मम्मी की तो मेरे पापा से शादी हो रखी थी ना, तो इसमें लेटर था जो राजीव अंकल के नाम का था। लेटर मतलब कैसा लेटर था? लेटर मतलब जो कॉलेज के टाइम से लिखा हुआ था, लव लेटर जैसे। अच्छा, लव लेटर। अच्छा। हाँ, तो मेरे को उस टाइम कुछ समझ नहीं आया, मैं क्या करूँ। तो मैं इसी के हाल पूछ रही हूँ कि मतलब आज मैंने उनको बुलाया, इसीलिए बुलाया कि आप पता लगाओ कि क्या है, मतलब मैं जानना चाहती हूँ उन दोनों के बीच में क्या है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। चीजें तो समझ में आ रही है, घबराओ मत, यहाँ पे वो लोग आ रहे हैं ना। देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ खुशी की, वो लोग जब यहाँ पे आ रहे हैं तो अब क्या बात होगा, क्या चीज़ें होगा, क्योंकि जब इतना चीज़ें जब गंभीर तरीके से जब निकल रही है। और फोटो एक बार दिखाना, एक बार फोटो दिखाना, ये फोटो है। अब बताओ, ये तुम बता रही हो कि ये तुम्हारे पापा हैं और ये मम्मी और अंकल है। अंकल है। अंकल इस तरीके से, मतलब यहाँ पे मैं फोटो लगा रहा हूँ डिस्प्ले पे, अंकल इस तरीके से हैं कि मतलब एक नहीं होता, एक कपल बर्ड की तरह वो लोग हैं और पापा साइड में एक दोस्त की तरह अच्छे भूमिका निभा रहे हैं। मामला कुछ समझ में आ नहीं रहा है। अब जो भी चीज़ होगा वो सामने जब वो लोग आएंगे तो ही चीज़ क्लियर होगा कि आखिर बात क्या है, क्या चीज़ है। जो भी चीज़ होगा सारा चीज़ मैं आपको बताने और दिखाने की कोशिश करूँगा। आने चाहिए उन लोगों को, जब वो लोग आएंगे तो उन्हें अकेला छोड़ना है। मैं यहाँ पे माइक कहीं आप आसपास छुपा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जब वो लोग आएंगे तो उन्हें अकेला छोड़ना है, फिर जो भी चीज़ होगा ना, थोड़ा बहुत भी हिंट मिल जाए ना, तो फिर सामने खड़े होकर मुँह से निकलवाएंगे कि आखिर बात क्या है, बताओ भाई आप लोग, ठीक है। और ऐसे रो क्यों रही हो, इसमें घबराने वाली क्या बात है? सोच रहे हो कि उनके बीच में क्या चक्कर चल रहा है? कोई नहीं, देखो घबराओ मत, ठीक है। ये रोना बंद करो, घबराना नहीं है, घबराओ मत, जो भी चीज़ होगा देख लेंगे। अच्छा ही तो है, तुम्हारे अंकल है, तुम्हारे पापा के दोस्त हैं, जो भी चीज़ है सारा चीज़ एक बार देख लिया जाएगा। और है कुछ इसमें दम तो है इनकी बातों में, देखते हैं। अरे बेटा क्या हुआ तुझे, आ गया? यहाँ क्यों बैठी है? मेरी तबीयत खराब हो रही थी, पता नहीं क्या हो रहा, बहुत ज्यादा सर दुख रहा है। अरे क्या तबीयत खराब होगी, पता नहीं क्या हो रहा है। अरे मुझे तो चिंता होगी, तो तूने ऐसे मुझे फोन करके यहाँ पे बुलाया, मुझे नहीं पता क्या हो रहा। अरे रो क्यों रही है, अजीब सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, चल लेट जाइए तरफ, पता नहीं क्या हो रहा है। अरे अरे ऐसे रोते नहीं है, बता तो सही बात क्या है। कुछ भी नहीं, पर बहुत ज्यादा ना ऐसे चक्कर से आ रहे थे, इसलिए ना मैंने ना राजीव अंकल को भी फोन कर दिया। अरे उनको क्यों परेशान किया? मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने उनको भी फोन कर दिया। अब हुआ क्या है तेरे को, बता तो सही क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर को बुलाऊं या चले डॉक्टर के पास? नहीं मेरे को, हाँ सर में दर्द हो रही है, सिर दबा दो तेरा। अरे पता नहीं क्या हो गया तेरे को, अच्छी वाली तो थी, तेरे को घर छोड़ के आई थी, एकदम से मुझे कॉल कर दी, पता नहीं क्या हो रहा, बहुत ज्यादा तबीयत खराब से हो रही है। ओहो, अब क्या करूँ, यहाँ पे किसी को किसको बुलाऊं, हैं? अब सही लग रहा थोड़ा? नहीं अभी नहीं, बहुत ज्यादा दुख रहा है। अरे बेटा कैसे करें अब, अरे ये तो अंकल भी आ गए। तूने बुलाया था क्या? तबीयत खराब से हो रही है। कैसे तबीयत खराब हुई? सर दुख रहा है बहुत ज्यादा, पता नहीं चक्कर से आ रहे हैं, मैं उधर जाती हूँ तो चक्कर खा के गिर जाती हूँ। तो फिर पार्क में क्यों आई थी? पार्क में मैं ऐसे टहलते टहलते आ गई थी। और बताओ, मुझे फोन करके बुलाया एकदम से, इसकी तबीयत खराब हो गई, घर पे बुला लेना चाहिए था। और क्या, पार्क में तो, पार्क में अकेले कुछ हो जाता तो फिर मैंने और ज्यादा तबीयत खराब हो जाती, यहाँ कौन देखता फिर तुम्हें, मुझे आने में तो थोड़ा टाइम तो लगा ना। फिर पता नहीं क्या हो रहा, बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। अब दबा दूँ सर?
अरे दबाया तो है इसका सर, इसका पता नहीं क्या हो रहा है, बता तो सही है, एकदम से पता नहीं क्या है, चक्कर से आ रहे हैं। अरे बाप रे, कोई पानी वानी नहीं है इधर साइड पे कहीं? क्या हुआ? बस ऐसी, मैं तो मजाक कर रही थी, देखो तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो ऐसी हूँ, देखो ना मैं तो ठीक हूँ। ये क्या कर रही है ये? मैं तो कूद भी रही हूँ, मैं तो भाग भी रही हूँ, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। क्या नाटक है तेरा? बस ऐसे ही, आप लोग मुझे टाइम तो देते नहीं हो, आप ये ऑफिस में बिजी रहते हो, आप बुटीक में बिजी रहते हो, मेरे को आपके अलावा मेरा है ही कौन, एक आप और आप हो, तो फिर मेरे को टाइम तो कोई देता नहीं है, तो फिर मैं आपको ऐसे बुलाऊंगी ना? अरे कब बुलाया, कब आया? इसलिए मैंने सोचा कि चलो बहाना लगाती हूँ कि आप आ जाओ। तू ना मेरा, मेरे को ना ऐसे चिंता में डाल देते एकदम से बुला के, मेरी तो हालत ही खराब हो जाती है। और अच्छा एक मिनट रुको, मैं ना आइसक्रीम लेके आती हूँ, आप दोनों बैठो, बस एक 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 मिनट में आई मैंने ना, बस एक मिनट में आई मैंने ना, अभी तो तूने कहा कि हम टाइम नहीं देते। हाँ अब हमारे पास बैठ, बस आप दोनों बैठ के बातें करो, यहाँ पे ना मैंने आइसक्रीम वाला देखा था, वो यहीं कहीं होगा, बस एक मिनट में आई, बाय। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है आइसक्रीम, देखो कैसे हमें बेवकूफ बनाया इसने। अरे देखो आजकल के बच्चे भी डरा देते हैं। हाँ बच्चे तो खैर डरा ही देते हैं आजकल, देखो कैसे आ गई थी एकदम, कैसे एकदम से मुझे कॉल कर दी, मम्मा मेरी तबीयत खराब है, फिर मैं भी घबराई हुई आई, पता नहीं खुशी को क्या हो गया। तो मुझे भी तो ऐसे अचानक ही फोन कर दिया इसने, तभी मैं भी फटाफट ऑफिस छोड़ के आ गया यहाँ पे। वही तो आजकल के बच्चे तो बस वो भी सोचते हैं कि मैं इनके साथ टाइम नहीं बिता पाती ना, इसलिए इसने ये हरकत की आज। तो एक बात बताओ मुझे, हाँ कि इसके बारे में तुमने सोचा क्या है? मैं ये अब मेडिकल करवा रही हूँ इसको, और ये डॉक्टर बन जाएगी तो उसके बाद इसकी शादी करूँगी, और क्या। हाँ वही मैं भी सोच रहा था कि अब इतनी बड़ी हो गई है, 2 साल के अंदर अंदर तो शादी करनी पड़ेगी ना इसकी। हाँ मैंने तो इसको पूछा है कि कोई लड़का वड़का है तो बताओ। हाँ तो ये पूछना ज़रूरी है कि लड़का है, और मेडिकल कर रही है तो वहाँ तो बहुत सारे कुलीग्स होते हैं, उनमें से कोई पसंद तो हो होते ही है। तो उससे बात कर ले तो ज़्यादा अच्छी बात है। वो तो है, ठीक है, कहीं ये भी हमारी तरह ही ना रह जाए जैसे हमारे टाइम हुआ था, तो जात पात का ज़्यादा वो था, तो अच्छा नहीं लगा था वो। तो शुक्र है कि मनोज ने तुम्हें उस वक्त एक्सेप्ट कर लिया, तो वो तो उसका मेरे तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे उनको जात पात पर इतराज था तुमसे शादी करने के लिए, पहले जमाने के लोग ज़्यादा रुआसी मत हो, ठीक है, ये चलता रहता है। अब आगे हमने अपनी बेटी के बारे में सोचना है कि क्या है, तो अब देखो इसके बारे में ये सोचना ही पड़ेगा कि इसकी शादी अच्छी जगह हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये तो है ही है, वो तो मैं अब इसका, इसके बारे में तो मैं इसके लिए चिंतित हूँ ही कि इसकी ये बच्चा अच्छे से सेट हो जाए, इसकी शादी हो जाए अच्छे घर में, और इसका मनपसंद लड़का मिल जाए इसको। चलो अब और ज़्यादा रुआसी मत हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ इतना सब कुछ हुआ है वहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? बस मेरे बारे में छोड़ो, मैंने क्यों शादी नहीं की, क्यों नहीं किया, इसको छोड़ो। अरे इतनी लंबी जिंदगी है, कम से कम आप शादी तो कर लेते हैं। छोड़ो अब हमारे लिए एक खुशी ही बहुत है, वो तो खैर है ही है, उसमें क्या, बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, वो तो खुशी तो है ही है, खुशी के तरफ देख देख के तो मैं भी जी लेती हूँ। अब इसके मनोज जी भी नहीं रहे और अब एक आपका ही तो सहारा है। खैर वो तो मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे और खुशी के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे साथ रह के, खुशी को देख के, खुशी के दिल में मेरे लिए जितनी इज्जत है मैं देखता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। खैर खुशी भी आपको बहुत पसंद करती है, आखिर है तो हमारी बेटी ना। हाँ वो तो है ही है, वो तो बस बाकी अब नर्वस मत हो, बात समझो, ठीक है, ज़्यादा रुआसी होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अपने आप को संभालो और अपने बच्चे को भी संभालो, हमारा बच्चा है वो, हमने उसकी केयर करनी है, ठीक है, अब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बेटी है, समझे, ज़्यादा टेंशन मत लो, हमारी बेटी है, हमने उसकी केयर करनी है, और तुम्हें पता है कि मैं तुम दोनों की कितनी केयर करता हूँ, ठीक है, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ मैं, दोनों के बिना, और खुशी के बारे में तो तुमने सोचना ही सोचना, जब भी कोई दिक्कत हो मुझे बताओ, ठीक है,
कोई भी दिक्कत है, कुछ भी है, मुझे बता दिया करो, मैं इमीडिएट अवेलेबल हो जाऊँगा तुम्हारे। जब भी कहते हो तुम्हें कोई दिक्कत होती, मैं आता हूँ ना, कोई खुशी हो, कोई गमी हो, आता हूँ ना। होता है, तुम्हें भी सोचना चाहिए कि अब हमने ही उसकी केयर करनी है, हमारी अपनी ही बेटी है वो। वो तो ठीक है आपके पास, पर वही आप तो खुशी की यही सोचती हूँ, खुशी किसी तरह स्टैंड हो जाए अपने पैरों पे। खुशी स्टैंड हो जाएगी, केयर हम करेंगे तो स्टैंड होगी होगी, वो खुशी स्टैंड हो जाएगी, उसकी चिंता मत करो बिल्कुल भी, ठीक है। तभी तो उसको क्या क्या सोच रही हो? कुछ नहीं सोच रही, बस तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? मेरे दिमाग में जो भी है मुझे बता दो, बस यही है कि क्या चल रहा है ये मम्मा? बस ऐसी आ गई, कुछ भी तो नहीं चल रहा। क्या चल रहा है अंकल? तुम्हारी आइसक्रीम का है? हाँ। आइसक्रीम वाला तो पता नहीं कहाँ चला गया, मैं बाहर जाके खा लूंगी। आइसक्रीम लेने गई थी अभी तक तुम्हारी आइसक्रीम भी नहीं आई। पता नहीं आइसक्रीम वाला देख रही थी पर मिला नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया वो। आ उसको छोड़ो, ये बताओ यहाँ क्या चल रहा था? यहाँ कुछ नहीं चल रहा था, तू ऐसे बेफालतू की बातें सोच रही है। झूठ मत बोलो, मैं सब जानती हूँ। क्या जानती है? क्या चल रहा था? कुछ नहीं चल रहा था। आप बताओ अंकल क्या चल रहा था? नहीं नहीं कुछ नहीं चल रहा था। ऐसे मत बोलो, बताओ ना। तेरे बारे में ही बात कर रहे थे कि खुशी देखो कितनी बड़ी हो गई है। क्या बात कर रहे थे? कितनी समझदार हो गई है। चलो मैं जा रही हूँ, मेरे को कुछ नहीं चल रहा था। क्या चल रहा था? कौन जा रहा है ना मम्मा? अरे कुछ नहीं चल रहा था, मुझे जाने दे, ठीक है? क्यों मम्मा 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 क्या चल रहा था पहले बताओ। अरे बाबा कुछ नहीं चल रहा था, ठीक है? कहाँ जा रहे हो? आप तो बताओ क्या चल रहा था, झूठ मत बोलो। भाई बताओ यहाँ पे मम्मा के साथ क्या कर रहे थे आप? बताओ क्या चल रहा था? मम्मा से पूछ लेना वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मम्मा जी आप बताओ, मैं आपसे पूछूं? मम्मा से पूछ रहा था, उन्होंने बताया ही नहीं। नहीं नहीं मम्मा ही बताएंगी, मम्मा से पूछना क्या चल रहा था, मम्मा बताएंगे, ठीक है? टेंशन मत लो, मम्मा बता देंगे सब। आप भी जा रहे हो? अरे आप तो रुक जाओ, कम से कम आप तो बता दो। मम्मा से पूछो ना। खुशी ये क्या था? मुझे खुद नहीं बताया क्या था, मतलब मेरे जो अंकल है, मेरी मम्मा, हस्बैंड वाइफ, मैं उनकी बेटी हूँ। और ये ऐसा कुछ एहसास नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ था पता तुम्हें? मतलब मुझे भी नहीं बताया उन्होंने। मैं खरे खरे मैं इस कैमरा में सुन रहा था कि ये लोग बातें क्या कर रहे हैं, मतलब बात कुछ ऐसा निकला कि वो लोग मतलब ये जो है उन दोनों की बेटी है। चुप 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 चुप, रोना बंद कर, रोना बंद कर। दोस्तों कोशिश करते हैं उन लोगों को एक बार यहाँ बुला के फिर से बात कुछ निकाला जाए। पहले तुम चुप, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? चुप।